गुड़गांव में दुनिया का पहला ऐसा मिल्क प्लांट लगा है जो कि बिना बिजली के चलेगा। जी हां, गुड़गांव के माकडोला गांव में इस प्लांट को लगाया गया। इस प्लांट में एक बार में 1000 से ज्यादा दूध का लाख स्टोरेज किया जा सकता है। वहीं जो मशीन दूध को ठंडा करती है वो भी यहां पर कूड़े से चलेगी। बिना बिजली का फ्रिज एक बार में 1000 लीटर दूध स्टोरेज करेगा। कूड़े से फ्रिज चलेगा। 3 दिनों तक दूध नहीं होगा खराब, घर से कूड़ा होगा खत्म। जी हाँ, अब दुनिया का पहला ऐसा फ्रिज गुड़गांव में चालू किया गया है जो कूड़े करकट को जलाकर चलेगा। दूध के प्लांट में लगे इस फ्रीजर की क्षमता एक बार में 1000 लीटर दूध की स्टोरेज की है। ग्रीन चिल के नाम से इस मशीन को एक कंपनी ने बनाया है। साथ ही इस मशीन को गुड़गांव में माकडोला में पहली बार लगाया गया है। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि विश्व में पहली बार ऐसी बनाई, एक टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, हमारी कंपनी की इजाद है। तो ये आपको बायोमा, जो भी बायोमास वेस्ट है, हर पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट है, जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े, पेड़ से गिरी हुई लकड़ी और बायोगैस, गाय के कंडे, उससे उसको यूज़ करके बिजली के बगैर आप 1000 लीटर दूध को ठंडा कर सकते हैं और या आप 100 क्विंटल फल फूल सब्जी को ठंडा कर सकते हैं। न्यू लीफ कंपनी ने इसे बनाया है। दरअसल इस कंपनी का मकसद ग्रामीण इलाकों में लोगों के लघु उद्योग को बढ़ाना है। साथ ही बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए भी इस कंपनी ने इस मशीन को बनाया है। ग्रीन चिल मशीन कूड़े करकट को जलाकर चलाया जाता है। कूड़ा जलने के बाद मशीन में बायोगैस बनती है जिससे वाष्प होकर मशीन को ऊर्जा मिलती है और वो चालू हो जाती है। उसके बाद 5 मिनट के अंदर ये मशीन फ्रिज को इतना कूल कर देती है कि एक दिन तक उसमें ठंडक बनी रहती है। गुड़गांव के माकडोला में देश का पहला ऐसा प्लांट लगाया गया है जो बिना बिजली के दूध को ठंडा करेगा और किसानों के लिए एक राहत की बात है। पहली बार भारत में गुड़गांव के माकडोला में ये प्लांट लगाया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि बिना बिजली के पूरी मशीन चलती है और जो इस मशीन का नाम है ग्रीन चिल, इस मशीन का नाम रखा गया है। और जिस तरह से जो गांव में दूध इकट्ठा होता है उसके बाद उसे सप्लाई किया जाता है, तो अमूमन तौर पर देखा जाता था कि दूर दराज शहर होने के कारण वो दूध खराब हो जाता था, लेकिन अब उसी को कहीं ना कहीं किसानों को राहत देने के लिए दूध खराब ना हो। दरअसल माकडोला से दूध सप्लाई करने वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण दूध उसी दिन सप्लाई करना पड़ता है, इसके चलते ये प्लांट लगाया गया है। इससे ग्रामीणों में भी काफी खुशी है कि दूध एक साथ शहर तक आराम से पहुंचाया जा सकेगा, वहीं इससे रोजगार भी अधिक बढ़ जाएगा। गुड़गांव से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।